छोड़ी है तू क्यों है बड़ी बेमिसाल, उठे जहन में मेरे कई सवाल, तेरा लाख है कमाल, सिल्की सिल्की है बाल, तू करे बड़ा सा बवाल, छोड़ी है तू क्यों है बड़ी बेमिसाल। What about it? This is a very खूबसूरत. She has already made a list of all questions. And धमा दिया मेरे हाथ में. Yes. So we all want to know about it, sir. बहुत ही बढ़िया म्यूजिक है, हमने सुना है, ये लोग तरस रहे हैं सुनने के लिए. I can see the excitement. So I want to know about it more, like the music director and more about the music. जी तो Heaven Hills production वो तो है हमारा, है उनके वो production की वजह से, और मिस्टर गिरीश चेतन एंड सुंदर चेतन मलयालम मेरा ब्रदर, ब्रेक ब्रदर आफ्टर एवरीथिंग. सो मुझे ना कि मेरा गुरुजी है, उनका नाम है रेमो डिसूज़ा सर के साथ ही मैं काम करते थे, और आफ्टर डांस इंडिया डांस मैं उनके पास थे और उनके साथ ही मैंने काम सीखा. आज जो कुछ भी जिस तरह मैं हिंदी बात कर रहा हूँ वो भी उनको देख देख के मैंने सीखा. तो उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटी दिया मुझे, बहुत मौका दिया कि जो बॉम्बे में बॉलीवुड में, बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड से भी फिर बाहर जाके भी बहुत सारे काम किया मैंने, उस चीज़ के लिए मुझे साथ दिया और मुझे अपॉर्चुनिटी दिया. और बोलते ना सर पे हाथ रखते हैं कि गुरु, वो उन्होंने वो चीज़ दिया. और एक तो मैं सोच रहा था कि उनको एक दक्षिणा क्या दूँ मैं, कि एक शिक्षक एक होता है ना कि एक दक्षिणा, क्योंकि उनका तो बहुत सारे ऐसे है ना, गुरु दक्षिणा. या प्लीज मेरा हिंदी में अगर कुछ ऐसा गड़बड़ है तो हाँ. तो हाँ, तो बहुत सारे शिष्य हैं उनके, तो सबने अलग 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 तरीके से उनको इम्प्रेस करते हुए जाते थे. इम्प्रेस नहीं है कि दक्षिणा, तो हमारा तो कोई सच बोलते तो कोई औकात ही नहीं थे कि कुछ चीज़ें ऐसे जैसे हमारे बाकी का टीम मेंबर्स, हमने बाकी का भी जो जो बैच मेट्स वो लोग जिस तरह देते थे, तो वो देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं थे. तो ना हमारा माँ बाप है, बहुत दिल बहुत अच्छा है, बहुत तमीज़ सिखाया, बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया उन्होंने. हमारे पास वो चीज़ नहीं थी कि गुरु के लिए कि इतना बड़ा कुछ दे दे. तो उस वक्त मैं सोचते साल यहाँ तक आ गए, उतने के अंदर बहुत कुछ सीख लिया मैंने. तब मैंने प्लान किया कि एक म्यूज़िक वीडियो बनाए, और वो म्यूज़िक वीडियो उनको मैं तोहफा दे दें, उनको मैं गिफ्ट करें, उनको मैं डेडिकेटेड करें. तो उस वक्त नहीं, उससे पहले ही मैं एक 6 साल पहले एक छोटा बच्चे को मिला था कानपुर में, यूपी में. वहाँ पे वो जब बच्चे को तब वो 6 साल पहले उसको जब देखा था मैंने, तो वो इतना टैलेंटेड था, इतना छोटा था वो. अभी मेरा इतना हो गया शायद वो उस कर रहा हूँ जो जिन्होंने मुझे इस प्लैनेट में जन्म दिया है, मेरा माँ बाप. वो आज मेरे पास मेरे साथ यहाँ पे नहीं है, बट दे आर सिटिंग इन केरला, एंड मेरा ब्रदर है यहाँ पे. लेकिन मैं तो मुझे तो बहुत आगे तक पहुँचना है, बहुत आगे, मतलब मुझे बॉलीवुड टॉलीवुड से यहाँ तक आया है, और यहाँ से मुझे जाना है, मुझे मेरा टारगेट मुझे पता है, और वहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों को पता है खड़े रह गए ऐसा आई एम यो लाइक दिस ऐसा बोलने के लिए मजा आता है. अब ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पहुँच के मैं बोल दूंगा कि आई एम हियर करके, ये और कॉन्फिडेंट नहीं है, मुझे पहुँचना है आप लोग की सबकी ये जो ब्लेसिंग्स, ये जो प्यार के साथ और ये सपोर्ट के साथ मुझे वहाँ तक पहुँचना है. ठीक है, तो वैसे ही ये लड़का अगर मैं साथ रहे ना रहे, मैं हक से मैं बोल सकता हूँ ये भी ऐसा ही है. दुनिया अभी इसकी उम्र बढ़ते जाएगा, वैसा ये भी ऐसे बनने वाला है, इसके अंदर ऐसा कला है, और ये इज वेरी, कहते हैं ना टाइम इज मनी, वक्त सबसे कीमती चीज़ है. और मैं अपने स्पेशल जो मेरे फैमिली है, मेरे धीरू सर जो मेरे डायरेक्टर हैं जिनकी मैंने नेक्स्ट फिल्म करी है, गिरी कमान पाजी, शालीन सर, यश पाजी, रमन पाजी, मौजम बेग सर, सुपर्णा मैम, पॉलमी, मेरा बचपन का दोस्त पिंकू, तो आप सब आए, बहुत खुशी मिली. क्योंकि अभी क्या है कि आपको इनका स्पेशल है, तो अगर मेरा पहला शुरुआत मतलब दूसरी शुरुआत है, तो मैं चाहता हूँ आप सबका होना. एक बार और ताली बजा दें. Congratulations,
हम ये कहना चाहते हैं, मेरा हिंदी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज, तो ये दिस शी इज माय एक्ट्रेस, मतलब ये इसके अंदर का आर्टिस्ट है, और दिस टू मतलब है कि बड़े बड़े दाढ़ी, मतलब मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बॉलीवुड में नहीं, अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ नया कुछ लेके आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और गुरु जी को कुछ तोहफा दे रहा था, वो उस पर कुछ बात होना चाहिए, तभी तो मेरे गुरु जी को देना, मतलब मेरे गुरु जी बहुत सॉलिड आदमी है, उनको मतलब है कि उनके जैसा किसी को मैंने देखा ही नहीं है, आई एम ए बिग फैन, मतलब फैन नहीं है क्या बोलूँ मैं उनके लिए ना, कि तो उनको देने के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो वैसे कुछ स्पेशल मैंने बनाने के लिए कोशिश किया, अभी उसके लिए उसका जो रिजल्ट है वो आप लोग देने वाले हैं, मैं नहीं है सिर्फ, नॉट मी, मेरा अंडर टीम, इसके लिए सिर्फ मैं नहीं है, कम से कम 350-400 लोग ये जो प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, ऐसे लगता है कि लोग अभी तक जिसको छोटे मतलब जो मेरे से बहुत रिलेटेड है उनको दिखाया है कि मतलब इसकी मतलब इसका मतलब आप लोग कुछ बताइए कि ये कैसे लगा आप लोगों को, तो दया सिंह मतलब है कि आपने तो मतलब एक मूवी के लोगों को मतलब है कि मेरे नसीब इतना अच्छे कि इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे यहाँ पे मिला, और ये प्रोजेक्ट करने के लिए मेरे गुरु जी को तोहफा करने के लिए मुझे साथ दिया, सो शी इज प्रचक्ता जुसाने एंड ही इज सुमेश चिंगू एंड ही इज जिनू एंड माय नेम इज पॉलसन एंड ही इज गिरीश कोम्बारा चेटन माय ब्रदर बिग ब्रदर एंड अंजनान कुर सिंगर, इतना प्यारा सा मस्त वाला ये जो गाना है आप लोग सुन लीजिए, आप लोग प्लीज मतलब सुनने के बाद प्लीज आप लोग ये इस चीज को वहां पे भी लेके जाने वाले और पूरा दुनिया को भी दिखाने वाले, तो बस आप लोगों को तब से सबको थैंक यू सो मच। आई थिंक बिकॉज ऑफ माय डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर पॉलसन सर, ही मेड एवरीथिंग इजीयर, सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, वेरी एक्साइटेड आल्सो, थैंक यू सो मच। यही मैं बोलना चाहूंगा, बहुत खुश हूँ, नर्वस, तो जैसे मैंने आपको बोला कि हर इंसान प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत नर्वस इसलिए रहता है, रहना भी चाहिए, इससे क्या होता है आप ये फील करते हैं कि हमेशा ग्राउंड में हो, जो इंसान नर्वस नहीं फील करता उसके लिए मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि वो कभी अपग्रेड हो, तो नर्वस के साथ एक्साइटेड इसलिए भी हूँ, बिकॉज पहला एक बहुत न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिक, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि इंडिया के सिनेरियो को थोड़ा बहुत फर्क दे, मतलब एक इफेक्ट दे, बस यही कोशिश है। तू क्यों है बड़ी बेमिसाल, उठे जहन में मेरे कई सवाल, तेरा लक है कमाल, सिल्की सिल्की है बात, तू करे बड़ा सा बवाल, तूने बातें की चार, मैंने बातें की चार, अब करना आंखें बिचार, तूने बातें की चार, मैंने बातें की चार, अब करना आंखें बिचार, देखो मैंने वही कहा कि है ना कि यहाँ पे आफ्टर डांस इज द डांस, मुझे पता नहीं था कि मैं तो मतलब मैंने पहले से कहा कि मैं एकदम छोटी सी शहर से हूँ, छोटी सी नहीं है वो गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं उनको, वो मेरा शहर को मतलब केरला, आई एम फ्रॉम केरला, आई एम मल्लू मलयाली एंड, तो वहाँ से यहाँ तक आना मतलब है कि आई एम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, अभी मतलब है कि ऊपर वाला इतना अच्छा कि बहुत अच्छा इज्जत दे दिया, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो स्टेप होता है ना हमारा, वहाँ से कैसे कि जो उन्होंने कहा है कि रेमो गुरु जी के लिए एक गुरु दक्षिणा, तो वो ये दक्षिणा ये है कि मुझे लगता है कि आज समथिंग इज हैपनिंग विथ मी एंड विथ माय टीम, मतलब है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ आज बॉम्बे में खड़े रह के, कि या कि मतलब रास्ते पे कहीं पे भी निकले तो मुझे इज्जत मिल रही है, रेस्पेक्ट मिल रहा है कि हाई पॉलसन हाउ आर यू, आप प्लीज आप आइए, और नॉट ओनली मुंबई, मुझे मैं दुनिया में कहीं पे भी किधर भी ट्रैवल करूँ, तो आफ्टर डांस इन द डांस में एक डांस के सुपरस्टार करके एक वही फेम जी म्यूजिक जी टी वी जी म्यूजिक, अभी जिनसे मैंने शुरुआत किया उन्होंने मेरे को अभी साथ दे रहे कि उनको जो तोहफा देने के लिए इनको गुरु दक्षिणा देने के लिए, तो वही है कि She's back, bro. Oh my God! चलो तो इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, तो ये है कि उनके लिए गुरु दक्षिणा, मुझे पता नहीं था कि मुझे मालूम नहीं था, जैसे कि माँ बाप के लिए आज तक मेरे को मम्मी पापा के लिए टुडे मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरा माँ बाप का आशीर्वाद है,
प्रार्थना है उनका, जो जो भी उन्होंने जो सिखाया ना मुझे, वही रेमो सर तक पहुँचाया, बॉम्बे तक पहुँचाया। तो माँ बाप के लिए मुझे क्या देना है मुझे पता नहीं, मैं मुझे जो भी मिला मैं सोचता हूँ कि चलो ये लेके जाके मेरे मम्मी पापा को दे देंगे, वो खुश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे वो पहले मैं सोचता हूँ, फिर भी मैं लेके जाके देता हूँ। बट ये गुरु, माता पिता गुरु देवो, ऐसा होता है शायद, शायद नहीं ऐसा ही होता है। तो मुझे माँ बाप के बाद मेरा गुरु जो है, उनसे जो चीज़ें मैंने सीखा है तो उनको देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं था और मैं उतना कैपेबल नहीं था। बट भगवान ने मुझे ये आदमी को लेके आके दे दिया, गिरीश भाई मेरा, तालियां, गिरीश भाई मलाड, और इतना मस्त प्रोजेक्ट, मस्त मतलब है कि मैं, यस आई विल से दैट कि इस चीज को आप लोग देख लीजिए और फिर उसके बाद आप लोग ही बोलेंगे, मैं तो बोलूंगा मस्त। वो कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी हो, वो लोग तो बोलता ही बोलता है, बट मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। बट इसका रिजल्ट मुझे आप लोगों से चाहिए और आप लोग भी मुझे इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा वो मुझे पता है। ये मेरा सब कुछ, मेरा सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा एंटायर टीम, ये सिर्फ आप लोग के सामने दिख रही है मेरा जो कि जो स्क्रीन पे आए हुए, स्क्रीन पे मैं नहीं आया और गिरीश भाई नहीं आया, शिवांगी नहीं आया, अच्छा आप भी नहीं आया, इतना प्यारा सा आवाज़ दिया, जो म्यूजिक डायरेक्टर है मेरा वो भी नहीं आया, बट ये आबिर है, इसके लिए बहुत हेल्प किया मुझे ये प्रोजेक्ट एंटायर थिंग को, एक मतलब है कि एक ऑर्गेनाइज करने के लिए। हम लोग कोई भी नहीं आया बट दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो बनाने के लिए इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ कि आई फील ब्लेस्ड एंड आई एम सो लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ पीपल इन माई लाइफ। आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम सो लकी। सो ये है कि मेरा ये जितना भी आज मेरा एंड हमारा प्रोडक्शन हाउस है हेवन हिल्स, दिस इज माई प्रोडक्शन हाउस, दिस इज माई ऑन प्रोडक्शन हाउस, वो भी इनका ही है, इन्होंने वो प्रोडक्शन हाउस ओपन करके दे दिया और मेरे हाथ में दे दिया, बेटा इसको आप संभाल लो, इससे आपको जो करना है कर लो। और उसी से जो पहला प्रोजेक्ट है हमारा डाइविन से हमने शुरू कर लिया। तो मैंने सोचा नहीं ये पहले से है कि मुझे, मैं पहला कुछ काम मेरे तरफ से करूंगा वो मेरा गुरुजी को देना है, वही है कि मेरे गुरुजी के लिए ये मेरा तोहफा है। सर आई लव यू सर, ऑलवेज आई लव यू एंड यू आर माय एवरीथिंग, थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर यू। जी ये उनको तो बताया हुआ है कि मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट दे रहा हूँ, कि जैसे कि सबने आपको जो दिया है पता नहीं है मुझे, बट मैं जो गिफ्ट दे रहा हूँ ऐसे बोला है मैंने उनको कि ऐसा गिफ्ट आज तक आपको कोई नहीं देना चाहिए ना मिलना चाहिए, तो ये आपको मैं दे रहा हूँ एक्चुअली। और तो वो भी इस चीज़ को लेके एक्साइटेड है, वो भी आज आने वाले थे, मुझे लगता है कि वो मेरे मुझे सरप्राइज देने वाला है शायद, और उनसे मेरा कनेक्शन कुछ भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, ही उनका ही कॉल से ही ये आज का ये जो इवेंट से आप लोग सब लोग यहाँ पे आए और हमने ये जो तैयारी किया है, तो आई विश ही विल कम, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा लेट होएंगे, नहीं तो भी इट्स ओके, आई लव यू सर, थैंक यू सो मच, ये आपके लिए जो डाइविन जो है वो आपका ही है, ये आपका पैर में और हम भी आपके पैर में, मैं आपके पैर में ऑलवेज। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं कि ये गाना फाइनली लॉन्च होने वाला है, एंड जैसे कि इन्होंने बोला इतनी हार्डवर्किंग टीम थी एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि अंकुर ने इस प्रोजेक्ट में मुझे लेके आए एंड मैं इनके साथ इस गाने में मैंने गाना गाया है, तो मुझे बहुत मज़ा आया, गाते वक्त भी बहुत मज़ा आया, ये तो थे ही वहाँ पे रिकॉर्डिंग में, तो इनसे मिली तो इनके साथ मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा, एक क्लोज नेट फैमिली बन गई है, ऐसे कभी सोचा नहीं, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आप कभी इन टच नहीं रहते लोगों के साथ, प्रोजेक्ट करके निकल जाते हो, लेकिन यहाँ पे सबके साथ एक मौका मिला जुड़ने का और एक रिश्ता बनाने का, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग, और ये रिश्ता हमेशा जिंदगी भर बनते रहेंगे, ऐसे रहेंगे, यस, क्योंकि हम लोग रुके नहीं है, अभी बहुत भागेंगे, यस, बहुत दौड़ेंगे, यस, अभी और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए सरप्राइज है, वो आप लोग भी अगर ब्लेसिंग्स करेंगे हमें, और ऊपर वाले को तो हमेशा है ही है, मेरे माँ बाप इतना अच्छे है कि वो लोग खाना खाने से पहले भी और उसके बाद में भी, मैं और ही इज माय यंग ब्रदर, तो हम दोनों के लिए बहुत प्रे करते हैं वो लोग, तो वही उसके वजह से मुझे बहुत बहुत बिलीव है अपने आपके ऊपर, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं है, क्यों करना भी नहीं है। तो मेरे माँ बाप ने
उनका जो कृपा से, उनकी जो प्रेयर से मुझे पता है कि मुझे आगे जाने वाला रास्ते में कुछ ना कुछ तो तकलीफ तो होंगे, और आज तक बहुत हुआ है। जितना मैंने तकलीफ देखा है वो बायोग्राफी में मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो अभी यही है कि आप लोगों सबको थैंक यू सो मच, और बस चलो हम लोग एकदम बस चलते चलते आखिरी सवाल, आखिरी सवाल अपील करना चाहेंगे दर्शकों से, कल जी जी अच्छा एक और चीज़ है कि हम आज ऐसा है कि हम आज यहाँ पे गाना रिलीज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कंपनी के थ्रू, मतलब कि जी के थ्रू हम लोग को थोड़ा सा टाइम चाहिए अच्छी रिलीजिंग डेट के लिए। तो आज हम लोग गाना लॉन्च कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे, और ये न्यूज़ और सर के, क्योंकि हमारा टेक्निकली ये सारे चीज़ें लॉक हो चुके थे इससे पहले, तो हम लोग इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उस वजह से हम लोग आज गाना लॉन्च कर रहे हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू आउट आवर फर्स्ट मेन पोस्टर, आज रात को हम लोग मेन पोस्टर लॉन्च करेंगे, और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे परसों दो दिन के बाद हम लोग इसका ट्रेलर लॉन्च करेंगे, देन गाना रिलीज करेंगे, लॉन्च नहीं है रिलीज करेंगे, आज सब कुछ लॉन्च है। थैंक यू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अंकुर को, इनका जो म्यूजिक है और जो गाना गाया है इन्होंने, और उसके लिए मैं इनको बेस्ट विशेस बोलना चाहूँगा, और मुझे बड़ी खुशी हुई है, और बस इतना ही बोलना। हाँ ये बहुत से गायक हैं, उनको बहुत अरसे से देख रहा हूँ मैं, बहुत पहले से जानता हूँ, जब ये इस शहर में आए थे, और इनका स्ट्रगल भी मालूम है, स्ट्रगल भी मालूम है, इनका डेडिकेशन मालूम है, और मैंने इनको म्यूज़िक के अलावा कहीं देखा ही नहीं है, मतलब आई थिंक म्यूज़िक इज़ लाइफ फॉर हिम, दैट्स अ बेस्ट पार्ट, और इनकी सक्सेस के लिए मैं, मेरे दिली ख्वाहिश इनको वो कामयाबी मिले, और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है गाना मेरे ख्याल से। और सर से पहले मैं जब रॉकस्टार में देखी थी तब से जर्नी है, सर एक बहुत एस्टैब्लिश राइटर, मेरे लिए सबसे ब्लेसिंग की बात है कि अभी आज सर आए, सर का प्रेजेंस ही मेरे लिए बहुत है, और सच अ लेजेंड हु हैज गिवन अ बिग हिट, अगर वो आज आ रहे तो इट मींस अ लॉट फॉर मी, मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने किया मिस्टर पॉलसन थॉमस के लिए, वो लड़का बहुत दिल से, बहुत दिलदार लड़का है, उसको बहुत आगे लेके आना है, उसको बहुत अच्छा लाइन दिखा दिए, उसको बहुत अच्छे से काम करना है, इसके लिए एक काम किया हम लोग, ये बहुत सब लोग का दुआ से अच्छा होना चाहिए। कैसा रिश्ता रहा है आपका पॉलसन जी के साथ, कैसा रिश्ता रहा है? पॉलसन हमारा एक ब्रदर है, फैमिली रिलेशन है उसका साथ में, उसका फैमिली के साथ में, उसके मम्मी पापा सब लोग, हम लोग एक फैमिली है, इसके लिए वो बॉम्बे आए हैं, फिर मैं बहुत देर हो गया उसको मिलने के लिए, उसके बाद हम सोचा उसके लिए ये काम कर रहे इधर आए, देखा फिर हम उसको हेल्प करते, फिर ये प्रोडक्ट हम लोग ये। एक इंटरव्यू में पॉलसन जी ने कहा था कि आप उनके गुरु हैं और उनको सबसे पहले मिले थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पॉलसन हमेशा मैं उनका माँ का बाद, माँ बाप का बाद एक ब्रदर है, सब कुछ मैं ही ऐसा बोलते रहते हैं इसके लिए। म्यूजिक वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? वो पोर्शन आके समझा देगा आपको। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपने तरफ से कि? नहीं, आप लोग का सबका दुआ से ये वीडियो अच्छा जाना चाहिए, बाकी जो है पोर्शन बोलेगा मेरे को इतने बोलना। थैंक यू वेरी मच आप लोग। पोर्शन को मैं लगभग 10 सालों से जानता हूँ, एंड पॉलसन और मेरी दोस्ती तब से है जब मैं और पॉलसन बैंगलोर में थे, सो आई नो फ्रॉम आई थिंक 2007 से हियर। उसके बाद जर्नी वहाँ से, मैं कुछ टाइम पहले मुंबई आया, उसके बाद पॉलसन आया, बट पॉलसन ने जो अपने आप को ग्रूम किया है जब वो बैंगलोर में था, दैट टाइम केरला का एक गांव से एक लड़का आया, और बहुत अच्छा डांसर, बहुत कॉन्फिडेंट इन डांस, वेरी गुड बाई हार्ट, एंड बट जब मुंबई आया तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज उसने फेस की, DID के मंच से उसे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, बट अगेन कुछ कारणों से उसे जल्दी निकलना पड़ा, एंड उसकी हिंदी इंग्लिश का बड़ा प्रॉब्लम था, एंड मिथुनता भी बड़ी उसकी टांग खींचते थे उस पर, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पॉलसन ने उस चीज़ को इम्प्रूव किया, उसकी लैंग्वेज को बहुत इम्प्रूव किया, कुछ में कुछ कमियां थी, जैसे वो जल्दी से मिंगल अप नहीं हो पाता था, और जिसे कहते हैं ना कि आपको एडजस्ट करना, लोगों के साथ बातचीत करना, कैसे कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था उसके लिए, बट ही मैनेज दैट, एंड फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि आज पॉलसन ने
एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किया है, कोरियोग्राफी उसने की है, और ये डाइविन जो है ये बहुत ही आई थिंक हटके होने वाला है, बिकॉज पॉलिसन ने मुझे इसके बारे में बताया था थोड़ा सा, बट मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं था. ही टोल्ड मी कि फाइनल में अब देखने को मिलेगा, भाई प्लीज आ जाना. सो हियर आई एम एंड वी बोथ आर हियर टू वेरी एक्साइटेड टू सी डाइविन. कांग्रेचुलेट हिम. ओके, व्हाट डू यू थिंक इज स्पेशल अबाउट पॉलिसन? यू नो देयर सो मेनी पीपल हु कम टू स्पेशली टू मुंबई टू बी अ पार्ट इन द इंडस्ट्री. राइट. डू यू थिंक इज अ एग्जांपल व्हिच प्रूव्स नेपोटिज्म डजंट ही डज नॉट समबडी डजंट रिक्वायर समबडी टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. Absolutely, if you have talent then it doesn't matter, and especially people like, you know, Paulson, those who have worked so hard for, you know, to reach the place where they are right now. So it doesn't matter anymore, you know, people, they keep talking, when they don't get work they talk about nepotism, but actually when you do hard work, yes, everything is possible in this world, nothing is impossible. Do you agree with her? And what's your take on that? What you said is, it is somewhere, I mean, we can't deny the fact that this industry work on the basis of relationship. If you are a daughter or if you are a son of someone, so it definitely it's going to help you. But if you have a talent, then it may take time, but gradually you will reach somewhere, and which people, audience will appreciate and they will love it. ये बहुत बड़े फैन हैं. ये पहले डांस करते थे. पॉलसन एंड हिम दे मेट ऑल्सो इन अ डांस स्टूडियो. डांस क्लास में थे. और उसके बाद इवेंचुअली लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने और करण ने स्पेशली पॉलसन को ज्वाइन किया कि हम दोनों सीखें. हम लोगों ने तीन महीने क्लासेस ज्वाइन की, बट तीन हफ्ते में ही नहीं, ज़्यादा नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ स्केड्यूल, शूटिंग स्केड्यूल. एंड बट आई एम वेरी हैप्पी कि पॉलसन ने अपना एक डांस स्टूडियो खोल लिया है, और हीज डायरेक्टेड दिस वीडियो एल्बम, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है उससे. लेट्स सी. और मुझे लगता है कि उसने एक पहला जो पड़ाव है वो पार कर लिया है और सही डायरेक्शन में जा रहा है. तो अगर आपकी आपका रास्ता सही है तो मंजिल तो अपने आप मिल जाती है. For me, to things are in process, you can say. Otherwise, I'm busy with commercials and documentary films. Recently, I shot for Dada J.P.O. Aswani's documentary film. Dada J.P.O. Aswani, 99 years mein, abhi recently he passed away. But we, as a, what do you mean? But because we love him so much, so. We'll be celebrating his birthday on 2nd August, and उन्हीं के लाइफ में मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री की है जो हर साल करता हूँ, और let's see, वो प्रोसेस में है. बाकी टेलीविजन पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता, बट जल्दी आप लोग. बहुत एक्साइटेड है भाई, क्योंकि इसमें हमारा छोटा भाई अंकुर है. अंकुर ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, अंकुर ने गाया है. सो पॉलसन भाई ने डायरेक्ट किया, उन्होंने मौका दिया है. सबसे पहले सब पूरी टीम को बहुत बहुत बेस्ट विशेज के बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जो डेडिकेट किया गया है वो हमारे इंडिया के सबसे बड़े कैरेक्टर रैमो डिसूज़ा जी हैं. सो बहुत बहुत बेस्ट विशेस. तो आई होप कि ये गाना धूम मचा दे. और इसमें हमारे एक और भी भाई है मानस के, जो उन्होंने रैप किया है. जर्मनी से हैं, काफ़ी अच्छे रैपर हैं वो. सो हम तो चाहेंगे कि ये गाना हिट हो. भी वैसे हम अभी एंटर हुए, हमने सुना नहीं, तो अभी जाके देखते हैं अंदर क्या होता है. मेरी तरफ से तो बहुत बहुत बेस्ट विशेस पूरी टीम को. और रेमो के बारे में क्या कहेंगे? रेमो जो है डायरेक्टर भी, अभी रेस थी भी आई थी उनके तक, और उनको ये गाना डेडिकेट किया है क्या? रेमो सर के बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सब जानते हैं उनके बारे में. सारे बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं, और वो तो एक ऐसा नाम है कि वो अमर हो चुका है, बहुत बड़ा नाम है. सो हम उनके बारे में कुछ बोल तो नहीं सकते, कि हम यही बोल सकते हैं कि हम जब भी उनकी मूवी देखते हैं, जब उनकी स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें देखते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है. सो आई होप के हम भी कभी उनके साथ काम करेंगे जल्दी. माई नेम इज़ यश वडाली. मेरे पहले भी काफ़ी सारे गाने आ चुके हैं जी से, टी सीरीज से. सो अभी एक नया गाना नेक्स्ट मंथ मेरा रिलीज़ हो रहा है, जिसमें रमन जी के लिरिक्स हैं. गाने का नाम है बॉम्बशेल,
सो ये आपके सामने बहुत जल्दी आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन आइज 24 न्यूज. प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.